यस मनीष, मनीष को कुछ ही समय में मनीष मेरे साथ जुड़ेंगे। एक दिग्गज कमेंटेटर है मराठी के। वेलकम हाय मनीष, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत इंस्टा लाइव लॉकडाउन टॉकिंग शो विद शहजाद के साथ। कैसा लग रहा है मनीष? लॉकडाउन पीरियड चल रहा है सबसे पहले, और आप तो स्टार प्लेयर्स के इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन मेरी एक नई सोच थी। मैंने सोचा कि जो हमारे माए बाप होते हैं, प्रेक्षक होते हैं, खासकर दर्शक होते हैं, उनसे बातचीत करना जरूरी होता है, उनके बारे में राय मशवरा लेना जरूरी होता है। तो मैंने सोचा कि आज का दिन, चलिए क्रिकेट लवर्स के लिए, तो ये एक नई सोच के साथ मैं उठता हूँ और आपके इंटरव्यू देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। कल आपने भावेश पवार का इंटरव्यू लिया, स्पेशली आपने जो श्रद्धांजलि दी और एक मैसेज आपने दिया, वो मैसेज आज पूरे टेनिस क्रिकेट के हर एक क्षेत्र में ग्रुप में फॉरवर्ड हो रहा है। तो ऐसे ही आपके साथ में हमेशा हमारा प्यार रहेगा, और ऐसे ही आपके साथ में हमारा आशीर्वाद, आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ इसलिए आशीर्वाद भी दे सकता हूँ, तो आशीर्वाद दीजिए। यस मनीष, नहीं, बहुत अच्छी तरह से आप भी कर रहे हो। लेकिन क्योंकि खाना क्रिकेट जिसने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपकी पहचान ही है पूरा, मतलब मुमरा से लेकर थाना तक आपकी आवाज अगर कोई भी माइक्रोफोन में कहे, दूर से भी कोई सुनता रहेगा तो पता चल जाएगा कि शहजाद भाई कमेंट्री कर रहे हैं। जो आपने पहचान बनाई है और बहुत अच्छे तरह से आपने डाउन टू अर्थ हो, सबसे बड़ी चीज क्या है, कोई भी इंसान के डाउन टू अर्थ होना, मतलब अब अपने पास ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद इतना दिखावा न करना, और यंगस्टर को, मैं तो आपके सामने बहुत कम अनुभव वाला हूँ, फिर भी आपने मेरे जो इतना सपोर्ट दिया है, इसलिए मेरे लगभग हिंदी आप जितनी अच्छी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपसे बहुत छोटा हिंदी में। ये मेरा सौभाग्य रहेगा जो आपने मुझे मैसेज दिया है, आपने जो मुझे बातें बताई हैं उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करूंगा। और दूसरी बात रहेगी, ये ऐसा है कि जब भी मनीष मेरे साथ में कमेंट्री भी होते हैं तो एक अच्छा माहौल हो जाता है, फनी माहौल हो जाता है, टाइम पास के साथ साथ क्रिकेट, क्रिकेट के साथ साथ इंटरटेन, और एक एक अच्छा माहौल के साथ साथ एक अच्छी दोस्ती का भी एक बात कर सकते हैं हम। और काफी सारे कॉमेंटेटर के साथ में मैंने काम किया है, नो डाउट काफी दिग्गज दिग्गज कमेंटेटर्स का आशीर्वाद मिला है मुझे और उनके साथ मैंने काम किया है। लेकिन होता ऐसा है कि जो हम उम्र होते हैं, यानी मीन से जो एज का जो होता है, हम उम्र बोलते हैं जिसे, वैसे टाइप के जब कमेंटेटर जुड़ते हैं तो वो कुछ अलग ही होता है। क्योंकि क्रिकेट में सबसे पहले रिस्पेक्ट दी जाती है, क्रिकेट में सबसे पहले आदर और सम्मान की जगह है, उसके बाद में फिर क्रिकेट का दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। पहला सब्जेक्ट होता है इज्जत देना, आदर करना, सम्मान करना, ये हमें सिखाया जाता है। हम जब भी कमेंट्री में बैठते हैं तो हम आदर और सम्मान के साथ बैठते हैं। जब हमारे साथ में कोई लेजेंड कमेंटेटर हो या सीनियर कमेंटेटर हो तो पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सर के सिवा नाम नहीं निकलता है मुंह से। लेकिन जब हम आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे को भाई के नाम से, यस मनीष आइए आप बैठिए, आइए चलिए चलो भाई आप बैठिए, ये चलता रहता है। तो अच्छा लगता है, एक घरेलू घर के जैसा माहौल लगता है, एक दोस्त के जैसा, एक भाई के जैसा माहौल लगता है, मजा आती है आपके साथ में काम करने के लिए। और आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मनीष, कि आपने जो लाइव चालू किया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, टीसीपी के साथ में आप जुड़कर जो लाइव कर रहे हो बहुत ही बढ़िया है, और मैंने भी एक चैनल लॉन्च किया है एनएसटी लाइव, थाने क्रिकेट के लिए मैंने ये चैनल लॉन्च किया है। मैं चाहूंगा कि आपका भी प्यार उस चैनल को मिले जिस तरीके से आपने मुझे जरूर प्यार दिया। जरूर जरूर जरूर, आपके लिए तो कुछ भी हाजिर, क्योंकि थाना क्रिकेट में आपको प्यार न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लगभग इस 4-5 सालों में इतनी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है थाना का, जितने भिवंडी में या रायगढ़ में होती है उतनी टूर्नामेंट थाना में होती है, और सभी टूर्नामेंट में आपका होना एक अहम हिस्सा है, ये तो बताना पड़ेगा। ये बस मनीष, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये रिलेशन है, अगर आपका स्वभाव अच्छा हो, आपका नेचर अच्छा हो, और आप जब कमेंट करते हो, क्रिकेट में सबसे पहले चीजों की कमेंट करना, अगर आप अच्छा एक बार कमिटमेंट कर देते हो तो उसको कंप्लीट करना, तो ये चीज होती है। नो डाउट क्रिकेट में पैसा भी है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पैसे नहीं है, क्रिकेट में पैसे भी है, पैसे के साथ साथ टैलेंट होना जरूरी है। अगर आप में टैलेंट है तो ही आप पैसा कमा सकते हो, नहीं तो फिर आपकी जगह नहीं है, टेनिस क्रिकेट हो या फिर लेदर क्रिकेट हो। आपको पहले हुनर तराशना पड़ता है, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि आपको खाना का प्यार मिला है, तो मैं मनीष बताना चाहूंगा, मैंने बहुत पसीना बहाया, मैंने बहुत पसीना बहाया जब जाकर मुझे ये मुकाम मिला है,
और मेरे साथ साथ मैं तो ये भी चाहूंगा कि आने वाले वक्त में मेरे से कई गुना ज्यादा आपको प्यार मिले, क्योंकि आप एक उभरते सितारे। और नहीं, ऐसी बोले बोले बोले। मैं एक और चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगा, कि आप मेरे चैनल पे हो तो जाहिर सी बात है मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका एक छोटा सा ओपिनियन लूँ। मनीष खाना में सबसे बेस्ट टूर्नामेंट आपको कौन सा लगा, इसके बारे में हमारे साथ साझा करेंगे। लगभग सभी टूर्नामेंट है, और एक टूर्नामेंट में नाम लू तो शायद कुछ कम हो जाए, क्योंकि हर में अलग 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 कॉन्सेप्ट है। इस बार मैंने खाना में कमेंट्री की तो रंजीत चषक में मैंने कमेंट्री की, वहां पे मैंने देखे कि अलग अलग ऑडियंस स्टैंड है, मतलब जो जो डिफेंडिंग चैंपियन थे गए साल के जो विजेता थे, उन लोग के लिए अलग अलग उन्होंने प्रेक्षक स्टैंड बनाए थे। वो अच्छी सोच थी उस टूर्नामेंट की। बाद में बढ़ते सुशांत मुखर्जी के पास, एक अच्छा सा उन्होंने आउटफील्ड बना के, एक ब्लैक कलर का आउटलाइन बना के एक अच्छा स्टेडियम जैसा उन्होंने स्वरूप दिया था उस टूर्नामेंट को, वो उसकी खासियत रही। बाद में गए डीआर चषक में, डीआर चषक में भी देखा जाए तो बहुत अलग अलग कलर के झंडे थे आउटफील्ड को, आउटफील्ड के बाहर, और बहुत बढ़िया स्टेज था। रंजीत स्मृति चषक के मामले में कहा जाए तो थाईलैंड टूर इस बार दिया गया था, जो लगभग आज तक किसी ने नहीं दिया था। बाद में डीआर चषक में आप बढ़ते तो आपने एलईडी चषक, एलईडी टीवी मैन ऑफ द सीरीज था, और एनसीसी का सुशांत जी के टूर्नामेंट का खासियत है ट्रॉफी, ट्रॉफी मेरे से लगभग 6-6 फुट की ट्रॉफीज है, और सबसे बड़ी टूर्नामेंट नाइट की बताई जाती है जो नरेश पृथ्वी जोशी, उन लोग का स्टेज जो रहता है उसका कोई तोड़ नहीं कौन से भी टूर्नामेंट में थाना क्रिकेट में, क्योंकि सबसे बढ़िया स्टेज जो व्यासपीठ रहता है वो उन लोग का रहता, तो ऐसा नहीं है, सब टूर्नामेंट अपने अपने अपनी जगह पर बहुत अच्छा बढ़िया काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं एमसीसी स्पोर्ट्स की, सर सुशांत मुखादम, इनके टूर्नामेंट की अगर बात करें तो इनका जो डिसिप्लिन है, नो डाउट सब टूर्नामेंट में अलग अलग तरीके से सबका डिसिप्लिन होता है, लेकिन एमसीसी स्पोर्ट्स की जो टीम है उनका अलग ही डिपार्टमेंट होता है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनती है और उसके बाद में सबको एक एक पोस्ट दी जाती है कि भाई आप चीफ मिनिस्टर के बाद में समझ लीजिए खाद्य मंत्री, फिर उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर, यानी ऐसा पोस्ट होती है, तो उनके अंदर भी ये चीज होती है कि वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले, एमसीसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले वो पोस्ट बांटते हो कि भाई आपका ये डिपार्टमेंट आपको यही करना है, और जो उनका डिसिप्लिन होता है ना बहुत बढ़िया रहता है। उसके बाद रंजीत स्पोर्ट्स पर आते हैं। रंजीत स्पोर्ट्स ये एक वाहिद ऐसी टूर्नामेंट है जिसे थाना का वर्ल्ड कप कहा जाता है, और हर एक टीम, बहुत सारी टीमें होती हैं जो जुड़ना चाहती हैं, काफी सारी टीमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास जो लिमिट होती है वो लिमिट के बेस पे ही टीमों को एंट्री दी जाती है। और नरेश स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो नो डाउट संदीप भोईर, ट्रिपल एस डीजे, ये आने वाले वक्त में और क्या क्या दिखाएंगे टेनिस क्रिकेट में, ये देखने वाली बात होगी वाकई में। नाइट का अगर टूर्नामेंट देखना है तो तमाम जो दर्शक है जो यूट्यूब पे भी इसको देखेंगे लाइव इंटरव्यू को, मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा एक बार आप आइए और वो टूर्नामेंट की एक झलकी देखिए, वो कुछ अलग ही नजारा होता है, ऐसा लगता है कि हम कहां पर आ गए, हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आ गए। और खासकर मनीष मुझे अभी भी याद है कि उस टूर्नामेंट में हेमंत मेरे साथ में कॉमेंट्री कर रहे थे, और हेमंत और मैं जब रायगढ़, सॉरी माफ कीजिएगा, भिवंडी वर्सेस थाना का जिस वक्त मैच था मनीष, वो टाइम अगर आपकी उपस्थिति वहां होती, आपका कहीं मैच था हमें पता चला था, कोशिश थी कि आप भी जुड़े, लेकिन उस वक्त आप क्राउड देखते तो आप वाकई में बोलते थे कि कहां से इतनी पब्लिक आ गई, इतने सारे दर्शक थे, और जो मजा आया हमें भी कमेंट्री करने में मजा आया, और जो दर्शक थे उन्हें भी सुनने में मजा आया, और कमेंटेटर का यही काम होता है आपका और हमारा कि इंटरटेन करना है। और जरूर मेरे चैनल पे भी मैं जानना चाहूंगा कि कल आप किसका इंटरव्यू अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, कल किसका इंटरव्यू? कल आपके एरिया के मिस्टर जावेद कुरैशी जो है, जो बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं, लेदर क्रिकेट खेल चुके हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलते हैं, उन लोग का उनका इंटरव्यू में 7-8 बजे कवर करूंगा अपने चैनल पे। बिल्कुल, बहुत अच्छे प्लेयर है जावेद कुरैशी, नो डाउट आज की डेट में अगर इस सीजन की अगर उनका परफॉर्मेंस देखें इस सीजन में, तो इस सीजन में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया, यानी मीन्स ऐसा है कि उनके हाथ में बॉल दे दो और मैं भी वो टीम का हिस्सा हूँ, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूँ, जॉली बॉयज मेरी भी टीम है और उस टीम का मैनेजर कही है मुझे, या फिर उस टीम का सपोर्टर कही है, कुछ भी कही है, लेकिन मेरे से जुड़ी हुई टीम है। उनके हाथ में बॉल जब दी जाती है और 6 बॉल 6 रन का मैच हो के भाई निकालना है मैच, तो वो बंदे के अंदर हुनर है वो वाकई में,
एफर्ट कर कर उस मैच को निकालने की। बिल्कुल मनीष, आज जैसे क्रिकेट लवर डे है तो आपसे बात किया मैंने, बहुत अच्छा लगा, और दूसरों को भी मौका देना है, इसलिए आपने जो पक्का कीमती समय मेरे चैनल के लिए दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, और आपकी ये कीमती वक्त को मैं जरूर संजो के रखूंगा अपने पास में, अपने मोबाइल के अंदर खासकर, और जो आपने मुझे सपोर्ट किया है टेक्निकल इश्यू के लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मनीष, आपसे बात करके अच्छा लगा, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे मनीष पाटिल जिनसे हम ज्वाइंट हुए थे, उन्हें इंस्टा लाइव पर हमने बातचीत की, और इस वक्त अगर कोई दर्शक मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मैंने आज का दिन देखिए आप लोगों के लिए